ये हमारे सुजीत भैया एकदम थकार गए हैं कि अब इसके बाद कोई टूर्नामेंट नहीं खेलना है, आज से नहीं खेलना है भाई, बस जो है आज यहीं पे क्लोज। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग शेख नौशाद। एक बार मेरे ब्लॉग पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जैसा देख सकते हैं हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं आज मैच खेलने, क्योंकि आज हम लोग का सेमीफाइनल मैच है। मतलब कि जो मैच हम लोग आज खेलेंगे अगर उसमें जीतते तो सेमीफाइनल में जाएंगे, नहीं तो फिर सीधे बाहर जाएंगे घर अपने आप, क्योंकि काफी मैच हम लोग खेल चुके हैं लेकिन कभी भी सेमीफाइनल में पहुंचे नहीं है। तो उम्मीद है कि आज भी शायद मेरे ख्याल से हम लोग सेमीफाइनल में ना पहुंचे, वापस चले आएंगे। बेइज्जती नहीं है ये, सही बात है ये। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग काफी मैच खेले हैं लेकिन कभी भी आज तक सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे हैं। लीग का जो मैच होता है उसमें काफी बढ़िया हम लोग खेलते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग क्वार्टर फाइनल में जाते हैं तो वहां से कफ लेके घर चले जाते हैं डायरेक्ट। उसके बाद आगे वाला हम लोग का कोई टारगेट ही नहीं रहता, उसके बाद सीधे यही टारगेट रहता है कि आप घर पे आराम से दूसरे क्या बोलते हैं जो भी टूर्नामेंट स्टार्ट होगा उसका इंतजार करते हैं। देख सकते हैं ये अजीत भैया हैं, ये बहुत ही धुएंधार बैट्समैन हैं, काफी अच्छे बैटिंग करते हैं। और ये हमारे सुजीत भैया, ये ऑलराउंडर हैं। अगर कभी भी हमें जरूरत होती है अच्छे बॉलिंग की, अच्छी बैटिंग की, तो ये लाइनअप पे आते हैं एक नंबर के और काफी अच्छा शानदार बैटिंग करते हैं। लेकिन जो भी ये बैट्समैन और बॉलर दोनों लोग हैं, ऑलराउंडर हैं, ये बस वही पे काम आते हैं जब तक हम लोग लीग मैच खेलते हैं, क्योंकि क्योंकि सेमीफाइनल का जो मैच होता है उससे पहले क्वार्टर फाइनल जो खेलते हैं वहां पे जवाब देते हैं दोनों लोग। तो आज ये परीक्षा है, बहुत ही कड़ी परीक्षा है कि देखिए क्या होता है। आज का हम लोग जो क्वार्टर फाइनल है वो जीतते हैं कि हारते हैं ये आगे डिपेंड करेगा हम लोग आज कैसा मैच खेल रहे हैं। घर से करीब 20 किलोमीटर के किराए पड़ता है, वहीं पे मैच है, तो क्वार्टर फाइनल मैच है। अगर आज का मैच हम लोग जीतते हैं तो कल सेमीफाइनल है और कल ही शायद दूसरी सेकंड टाइम में जो मीटिंग है उसमें फाइनल करा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की मैच हम लोग जीतते हैं या हारते हैं ये आगे मालूम चलेगा, क्योंकि ये जो मैच है एकदम हम लोग का वैसा हो चुका है जैसे कि लोग SSC का एग्जाम देते हैं। देते तो सभी लोग हैं लेकिन क्लियर जल्दी नहीं हो पाता है, वही हाल अपने साथ है कि हम लोग हमेशा खेलते हैं लेकिन कभी भी क्लियर नहीं हो पाता है। क्वार्टर फाइनल के बाद हम लोग बाहर चले आते हैं एकदम खुशी खुशी, तो उस चीज का हमें कभी गम भी नहीं हुआ है ना, क्योंकि आदत हो चुकी है हमेशा की, हो इसलिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड देख सकते हैं आप, ये मैच चालू हो गया है। पहले हम लोग की टॉस जीत के फील्डिंग आई है, हम लोग फील्डिंग चूज किए हैं और सारे फील्डर हमारे लग गए हैं। मैं नहीं खेल रहा हूँ, एक्स्ट्रा में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि दो प्लेयर एक्स्ट्रा आ गए थे हमारे बैट्समैन, तो मुझे बैठना पड़ा। और देख सकते हैं पहला ओवर का पहला बॉल ये चल रहा है और ये पहला बॉल 6 रन, बुरी शुरुआत है। और ये देखिए यहाँ के बच्चे हैं सब, हाय बोलो, हाय, घर कहाँ है, घर कहाँ है, कौन से गांव में, आगे सब लोग मैच देखने आए हो, अच्छा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, प्राइमरी में, क्लास हाँ, 5 तक। तुम किस क्लास में पढ़ते हो, 4 में, 4 में पढ़ते हो, ABCD आता है, सुनाओ ABCD, गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये बताओ A4 क्या होता है, B4 गलत, B4 नहीं, B4 नहीं, A4 एप्पल, B4 बड़ा एप्पल, क्या होता है, B4 बड़ा एप्पल, और C4 नहीं, C4 छोटा एप्पल, इधर देखो, C4 छोटा एप्पल, और D4 डॉक्टर वाला एप्पल, और E4 ई वाला एप्पल, हाँ ई वाला एप्पल, और F4 F4 फालतू का एप्पल, फालतू का एप्पल, ठीक। अब बताओ A4, B4 इधर इधर इधर, C4 छोटा एप्पल, D4 डॉक्टर वाला एप्पल, E4 ई वाला एप्पल, F4 फालतू वाला एप्पल, गुड।
तो फ्रेंड्स पहला इनिंग समाप्त हो चुका है और बैटिंग की बारी आ गई है और उन्होंने टारगेट दिया है 10 ओवर में 149 रन बनाई है अगली वाली टीम और 150 पे हम लोग जीत है। और पहले बैटिंग के लिए हमारे दो प्लेयर गए हैं जिसका नाम है संदीप और गोलू और काफ़ी अच्छी बैट्समैन है वो लोग। ये संदीप बैटिंग करते हुए 4 रन। तो फ्रेंड जैसा देख सकते हैं आप मैच समाप्त हो गया और फिर से हम लोग एक बार फिर से हार गए हैं मैच। जैसा आपसे बताया गया था कि ये मैच जो है क्वार्टर फाइनल का हम लोग के लिए एसएससी के पेपर की तरह हो गया है कि तैयारी तो बहुत करते हैं लेकिन कभी निकलता नहीं है। तो इस बार भी यही हुआ और हर बार की तरह फिर से मुंह लटका के हम लोग जा रहे हैं घर वापस। अब देखेंगे अब कहाँ कोई और टूर्नामेंट को हम नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे आप नहीं नहीं देखना तो पड़ेगा, कोशिश करते रह जाएगा, कभी ना कभी निकलेगा ही निकलेगा। हाँ ये हमारे सुजीत भैया एकदम थका रहे हैं कि अब इसके बाद कोई टूर्नामेंट नहीं खेलना है। आज से नहीं खेलना है भाई, बस जो है आज यहीं पे क्लोज। अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन मजा बहुत आ रहा है। फ्रेंड्स काफी ज्यादा निराशाजनक ये मैच रहा। निराशाजनक क्या, हमारे लिए हमेशा का हाल है क्योंकि क्वार्टर फाइनल में हम आके पता नहीं क्या हो जाता है, हमारे प्लेयरों को खेल ही नहीं पाते हैं मैच। और 150 का स्कोर था बनाना था, कितना में भेज लेला 10 ओवर में लेकिन बन नहीं पाया। और इससे पहले जो मैच हुआ था उसमें 156 का टारगेट था जिसमें 154 रन बनाए थे लेकिन जानते ही हैं, मैंने आपसे पहले ही बताया था ये जो हम लोग का टूर्नामेंट होता है इसमें जो क्वार्टर फाइनल और मैच होता है ये हमारे लिए एसएससी एग्जाम की तरह है, हमें फेल होना है चाहे कुछ भी हो जाए कितनी भी तैयारी हम लोग कर लें। तो मुंह लटका के हम लोग घर वापस जा रहे हैं। अब क्या बोलें इससे आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मैच जीतते तो कल सेमीफाइनल में होते लेकिन हो नहीं पाया, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ कि आना नहीं पड़ेगा। अब हाँ अब ये एक प्लस पॉइंट अच्छा हुआ हम लोग के लिए कि हार गए, आना नहीं पड़ेगा, ठंड का मौसम है, ठंडी लगता है आने में। और तो और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नो कमेंट। तो अगर भैया अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो आप लोगों को तो ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।